हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रवीत कुमार। मैं आप लोगों का आपके परिवार सूर्यांश अकादमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो भारत के सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना किस राज्य में हुई थी, वो आपके केरल राज्य में हुई थी। सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रेट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो ए है परमादेश, बी उत्पेक्षा, सी प्रतिषेध, डी अधिकारी परीक्षा। तो आपके जो इसमें राइट ऑप्शन है वो आपका है सी प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन ए है 25वें संविधान संशोधन, बी है 42वें संविधान संशोधन, सी है 44वें संविधान संशोधन और डी है 52वें संविधान संशोधन। तो आपका जो राइट हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो साथियों, आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन ए है सन 1991, ऑप्शन बी है सन 1955, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है सन 1993। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में। आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर छठा है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 270, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 290, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 300। तो वित्त आयोग का गठन हुआ था वो आर्टिकल 290 के तहत किया गया था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर सातवां, सुमेलित कीजिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। तो आपका सुमेलित करने के लिए है तो आपका इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1990 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमांक में व्यवस्थित कीजिए। तो हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्पीकर के अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना। ऑप्शन बी है सदस्यों को शपथ दिलाना,
ऑप्शन सी है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ऑप्शन डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है शपथ सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो इस तरीके जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो आपका किया गया था मद्रास। तो जो आपका राइट हो जाएगा वो ऑप्शन बी मद्रास बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह संविधान संशोधन कौन सा है। ए 90वां, बी 93वां, सी 92वां, डी 91वां। तो आपका जो ये संविधान संशोधन है ये आपका 91वां संविधान संशोधन है। तो आपका 91वां संविधान संशोधन बिल्कुल राइट है। कमेंट बॉक्स में कृपया बताएंगे कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन सी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग गठित हुआ था निम्न में समीक्षा करने के लिए। तो ए है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को, बी है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को, सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को, डी है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। तो इस तरीके से आपके टॉप 15 क्वेश्चन संविधान के समाप्त हुए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको रोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी आदि सब्जेक्टों के